चांदनी चौक की हवाएं गुनगुनाती हुई मानो मुझसे कह रही हो कि आज का दिन मेरे लिए सबसे खास है। गलियों में फैला शोरगुल, मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटियां, मस्जिद की आजान, सब मानो धीमे से पूछ रही हो क्या खास बात है, जरा हमें भी तो बता। उज्जैन में अचानक बेहोश हो गई, इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? वही जो सब निकाल रहे हैं, है ना? जी हां, शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। जिंदगी के मोड कभी भी हमारे कहने पर नहीं चलते, उल्टा वो हमें अपने ढंग से चौंका देती है। आज मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूं। इस रिपोर्ट में मेरे आने वाले जिंदगी के नए मोड़ की खबर है। अब से 12 घंटे पहले, शर्मा निवास, चांदनी चौक, दिल्ली 6। ऋषि तो बच्चों की तरह खुश हो रहे होंगे ये सोचकर कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना आने वाला है। श्रीमती जी, अब तो मुस्कुरा दीजिए खिलखिलाकर। अरे इतना बड़ा दिन है, देखिए ना, मैं ना उनके साथ ना सारा दिन खेला करूंगा, ढेर सारी कहानियां भी सुनाऊंगा उनको, उनके लिए घोड़ा भी बनूंगा। बस बस बस, अभी तक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई, इसीलिए ख्वाब देखना बंद कीजिए। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना, तब बात करेंगे। अरे रिपोर्ट्स का क्या है श्रीमती जी, वो तो आ ही जाएंगी। अब देखिए ना, चक्कर आना, वॉमिटिंग आना, ये सब क्या है श्रीमती जी। अब आप हिटलर नहीं रहने वाली, अब आप बन जाएंगी मम्मी। और मैंने ना सोच लिया है कि मुझे अंतरा मंत्रा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्वीट सा, क्यूट सा, प्यारा सा चीकू। चीकू? अब ये कैसा नाम है चीकू? और लड़की में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर गलती से वो आपकी तरह हिटलर निकली तो। अच्छा, और अगर आपका चीकू हिटलर निकला तो? चीकू को मुझ पे छोड़िए, चीकू ने अगर थोड़ी सी भी हिटलर ग्रीस दिखाई ना तो फटाक से उसकी शादी कर दूंगा। क्योंकि जितने भी मर्द है ना, वो शादी के बाद शेर से चूहे बन जाते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा श्रीमती जी। बंद कीजिए इसे और चलिए, तैयार हो जाइए, इंटरव्यू के लिए जाइए। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, मैं आपके साथ चलूंगा डॉक्टर के यहाँ। आपका चेकअप कराना ना, जॉब के लिए मैं कल चला जाऊंगा श्रीमती जी। कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे लेकिन मैं नहीं, आप बस इंटरव्यू के लिए जाइए। अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए तो जॉब कहां से मिलेगी ऋषि? जॉब नहीं मिली तो पैसे कहां से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो आप अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को कैसे पालेंगे, ध्यान कैसे रखेंगे? आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ओह, इसको रखो पहले। हाँ, सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? सुन लिया मैंने सब, मैं जा रहा हूँ जॉब के इंटरव्यू के लिए। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कंटिन्यू श्रीमती जी। और अगर प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए मिस्टर ऋषि, ये जो आपके कंधे हैं ना, इसे और मजबूत कर लीजिए, समझे? समझ गया, जा रहा हूँ मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए। गुड। क्या गुड, जॉब के इंटरव्यू को भी आज ही होना था। अरे मैं तो अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाह रहा था ऐसे वक्त में। यही प्रॉब्लम है एक आम इंसान की, हर एक इंसान की एक्चुअली। जॉब के चक्कर में उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है यार, और फिर बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जा रहा हूँ जॉब के लिए। ऐसी सड़ी हुई शक्ल लेके जाएंगे क्या? यू स्माइल करते हुए और दिमाग में थोड़ा ठंडा शांत होकर, ऑल द बेस्ट। All the best to you too, Srimati ji.
मौका भी है और टाइम भी, तो एक एक हो जाए। क्या क्या? देखिए मुझे लेट हो रही है, मैं अरे आप बात पे, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है क्या? इंदिरा बेटा, अभी तक तू तैयार नहीं हुई क्या? हो गई तैयार। ऑल द बेस्ट, बाय। आ गई माँ। यही प्रॉब्लम होती है जब आपकी ससुराल की और मायके की दीवार एक, क्या करेगा पति बेचारा। माँ, चल इंदिरा, मैं तैयार हो गई हूँ डॉक्टर के पास चलने के लिए। हाँ माँ, तुम ऐसे जा। हाँ रब्बा, क्या हुआ, फिर से चक्कर आ गए? मेरे नाती को है ना, कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ माँ, जब डॉक्टर ने कंफर्म किया ही नहीं है तो क्यों बोल रही हो तुम? बस यही कमी है ना आजकल की पीढ़ी में, छोटी मोटी बात हुई नहीं कि भागे चले गए डॉक्टर के पीछे। अरे भाई, हमारे जमाने में जब डॉक्टर नहीं थे तो क्या हमारे बच्चे नहीं होते थे? अरे उस वक्त हमें कोई जरूरत नहीं होती थी टेस्ट वेस्ट की। हमारे जमाने में तो बस बच्चे ऐसे ही होते रहते थे। हाँ, एक वाने की लग गए दूसरे की तैयारी में, एक के बाद एक लगा दी लाइन, गिनते थोड़ी थे। बेशरम, चलना जल्दी कर बेटा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगी, पहले ये सिंपल से कपड़े पहनो और ये तामझाम निकालो प्लीज। ओए रुपा, पगला गई है क्या? अरे ऐसी खुशखबरी में थोड़ी सी तड़क भड़क तो होनी चाहिए, इसलिए तैयार हुई। बताओ ना कैसी तैयार हुई मैं? कोई जरूरत नहीं, तुम इस तरह से तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जा रही। वही इंदिरा, फिर से हिटलर की तरह हुकूमत चलाने लगी है। देख अब ये खड़ूसियत है ना, खत्म कर दे, वरना मेरे नातिन नातिन तेरे जैसे हो गए ना तो बस बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वैसे भी किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर है ना ऐसा बोर्ड नहीं छपा हुआ है कैसे सर्ज दर्ज के कि अच्छे कपड़े पहन कर नहीं जा सकते। ठीक है, फाइनल बात, मैं डॉक्टर के पास अकेली जाऊंगी, तुम ये सच धज करना, घर पे हीरोइन बनकर बैठी रहो। ठीक है, बाय। मेरी बात पास। हाँ, देखा देखा मुन्ना, गुस्सा तो जैसे हमेशा इसके नाक पे ही रहता है। देख ना कितनी मेहनत से मैं तैयार हुई, अच्छी लग रही हूँ ना? मैं बोल, सच में बोल, फिर भी ये बदतमीज मुझे लिए बिना ही चली गई हूँ। इंदिरा रुक जा, मैं तेरे को रिक्शा तक छोड़ता हूँ। कुछ पैसे मिल जाए, जेब खाली पड़ी है कुछ दिनों से, बढ़िया लग रही है मम्मी, फोटो खिंचवा ले। हाँ, मेरा मायका ही है, सारी दुनिया से निराला, साथ होकर भी सब अपने अपने मन की कोठरी में बंद, अपनी थुनकी में खोए हुए। और सबसे बड़ा नमूना आपके सामने है, देखिए। रिक्शा, लीला क्लिनिक देखा है क्या तूने? हाँ जी, मैंने देखा है भैया। अपनी आंखों से देखा है? नहीं, आंखों से देखा है। आंखों से तो देखते हैं। मेरी सिस्टर को ले जाओ वहाँ पे। हाँ, घंटे क्यों लगा रखी इसमें? सॉरी मुन्ना भैया, ले लगवा ले। भाई साहब, एक मिनट, ये लीजिए कुछ पैसे, रख लीजिए, जेब खाली होगी ना। तेरे को कैसे पता चला? तूने क्या मेरे मन की आवाज सुन ली क्या? हाँ, मेरे मन पे क्या भोंपू लग गया क्या जो आवाज सुन जाती है? जो लोग दिल से जुड़े हुए होते हैं ना, उनको समझने के लिए आवाज की भोंपू की जरूरत नहीं होती। ये फंडे नहीं समझ में आते मेरे यार। दिमाग चाहिए होता है उसके लिए। आज पता नहीं क्यों आप पर मेहरबानी करने का बहुत मन कर रहा है मुझे। और हाँ, ये पैसे जुए और दारू में उड़ा मत देना, क्योंकि आज हवा में कुछ बात है जो बहुत बड़े बदलाव का इशारा दे रही है। तू ऐसे सेंटी मत फेंक, तेरे को क्या लगता है तू प्लस हो सकती है तो मैं माइनस नहीं हो सकता क्या? मतलब तू मम्मी बनने वाली है ना, तो 1+1 2 प्लस हो गए ना, और मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा अपनी, माइनस। हाँ, बुरा मुन्ना बाय बाय, और अच्छा मुन्ना हाय हाय। हाय हाय मतलब अच्छा वाला हाय। तू संभल के जा और खुशखबरी लेके आइयो। हैं, और तू एक भी गड्ढे में टायर गया ना, गड्ढे मुंह दे दूंगा, समझा? आप चिंता ना करें मुन्ना भैया, मैं अच्छे से लेके जाऊंगा। आ जा। चल, मैं देता हूँ धक्का, चला चला चला। हाँ,
न जाने क्यों आज सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। शायद मैं अंदर से बदल रही हूं, या फिर बाहर की दुनिया बदल रही है, या शायद दोनों बदल रहे। खैर जो भी हो, मुन्ना भाई साहब का सुधरा हुआ रूप देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे डॉक्टर ने अभी तक तेरे आने की खबर दी नहीं है, पर पता नहीं क्यों औरों के विश्वास पे विश्वास करने का मन हो रहा है। अपना परिवार बदला हुआ ऐसा लग रहा है। वही पागलपन, उस पागलपन पर विश्वास करने का मन हो रहा है। क्यों? इसका जवाब उस बंद रिपोर्ट में लिखा है। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर साहब के पास क्या हुआ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया था। अच्छा, प्रेगनेंसी रिपोर्ट में तो ज्यादा वक्त लगता नहीं, तो आपने मुझे दोबारा क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक है ना? ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले मुझे कुछ और टेस्ट करने हैं। आप चलिए मेरे साथ। कुछ और टेस्ट करने मतलब? डॉक्टर साहब, बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, पहले टेस्ट कर लेते हैं, बाद में बातें कर लेंगे। ओके, आइए मेरे साथ। यहाँ डॉक्टर न जाने कौन कौन से टेस्ट करवाने के लिए मुझे लैब में ले गए, और वहां दूसरी तरफ मेरे परिवार वाले, वो तो जरूर कोई पार्टी कर रहे होंगे। उन्हें तो बस बहाना चाहिए मेरी सैलरी के पैसे से जश्न मनाने का। आज मैं बहुत खुश हूँ, मन कर रहा है जोर से चीखू चिल्लाऊ नाचू गाऊ। छोटे बजा भाई, आज मेरी भी तो प्रमोशन होने वाली है। मुन्ना से मुन्ना मामा बनने वाला हूँ मैं, नाच नाच के धरती फाड़ दूंगा। बजा छोटे। लेकिन उन्हें इस बात की खबर तक नहीं थी कि मेरे साथ वक्त कैसे खेल खेल रहा है। खुद मुझे भी कहां पता था। और इसीलिए मैंने दोबारा तुम्हें टेस्ट के लिए बुलाया। श्रीमती जी अब तक नहीं आई, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही है। अरे आ रही होगी ना, रास्ते में होगी। ऐसे हालत में ना वैसे भी धीरे धीरे ही चलना चाहिए। हाँ सही कह रही हैं आप। सुने ना भाभी, ये सब क्या है? अरे ये इंदिरा का ट्रंक है, देख छोटी सी गुड़िया, और ये छोटे छोटे कपड़े। ये घुंगरू, ये किसके हैं? इंदिरा के। श्रीमती जी डांस करती थी। अच्छा याद आया, तभी वो उज्जैन में इतना डांस कर रही थी गानों पर, है ना? हाँ, तो किसी ने रोका था क्या उसे? ऋषि बेटा, इंदिरा को कथक से बहुत लगाव था। अरे रोज उसके पापा उसे डांस क्लास में छोड़ने जाया करते थे, लेकिन जब से ये घर छोड़कर चले गए, पता नहीं क्या कसम खा ली उसने, बस घुंगरू को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। और हाथ लगा भी नहीं सकती है 9 महीने के लिए। अरे वो माँ जो बनने वाली है। मम्मी जी, वो कैसे डांस करेगी? आप भी ना कभी भी कुछ भी बोलते रहती हो। कोई बात नहीं, सुने ना भाभी, 9 महीने तक उन्हें मुझे जितना नचाना है नचा लेने दीजिए, उसके बाद अपने श्रीमती जी के डांस के हुनर को अंजाम उनका ये पति हार के देगा। ऋषि तो सबसे ज्यादा कूद रहे होंगे ये जानने के लिए कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। वो खबर सुनने के लिए कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, कितने खुश होंगे वो। और मैं
मैं अलग, भीड़ भाड़ में सबसे अकेली। इस रिपोर्ट को अकेले ही पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? आज मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इस रिपोर्ट में मेरी जिंदगी में आने वाले की पहली दस्तक है। इंदिरा जी, आई एम सॉरी टू से, आपको ब्रेन ट्यूमर है, वो भी एडवांस स्टेज पे। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं, क्यों इतना खास है ये दिन मेरे लिए? क्योंकि 22,540 रुपए कमाने वाली एक वर्किंग लेडी, जिसके कंधे पर पूरे परिवार का बोझ हो, उसे जब कुछ ऐसा पता चलता है ना, तो वो दिन खास ही होता है। यही प्रॉब्लम होती है हम वर्किंग क्लास लोगों के साथ, खुशियां शॉर्टकट में आती है और प्रॉब्लम्स खुशियों से पहले रेस जीतकर हमारी जिंदगी में बिना दस्तक दिए पहुंच जाती है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसका फैसला अब मैं खुद लूंगी। लेकिन कैसे? डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जी चाहता है कि जोर जोर से चिल्लाओ, इतनी जोर से चिल्लाओ कि सारा दर्द खत्म हो जाए। पूरी दिल्ली मेरा दर्द अपने शोर शराबे में घूम करते हैं।